अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोजा स्टिचिंग एंड हसनैन ब्लॉग। तो आज हमें ब्लाउज़ का बैकनेक डिज़ाइन देखेंगे। इसको हमने अस्तर अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की ऊंची है 14, शोल्डर है 5.5, आर्महोले 6, 10.5 की छाती है और 9.5 इंच कमर घेर है। तो गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और ऊंचाई लेंगे 11। इस तरह से हम कैनवास के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। पहले मार्किंग करने के बाद यहाँ पर लोटा गला बना कर लेंगे। देखिए इस तरह से लोटा गला बना कर लेना है हमें। फिर सेंटर में हम पान निकाल कर लेंगे। जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है उसी तरह से आप भी ड्रॉ करें। और गले के साइड में इस तरह से 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और गला बराबर कटिंग करने के बाद अंदर का शेप भी निकाल कर लेंगे। हमने ऊपर की चौड़ाई इसलिए रखी है ताकि हमारी गले की चौड़ाई यहाँ पर चेंज ना हो। तो यहाँ पर हमने एक कपड़े के ऊपर अस्तर को यानी कैनवास को प्रेस कर लिया है। अब चारों तरफ से छोटे छोटे कट लगाकर हम इस तरह से सी कर लेंगे। पहले सीने के बाद देखिए इस तरह से सेंटर निकाल कर लेंगे गले का। गले का सेंटर निकालने के बाद ब्लाउज़ का भी सेंटर निकालेंगे और बराबर इस तरह से बीच में से जोड़ कर लेंगे। तो बीच में से जोड़ने के बाद जहाँ से हमने गले की मार्किंग की है वहाँ से सी कर लेंगे। हमने गला कट किया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम सी कर लेंगे। पहले देखिए इस तरह से ध्यान से हमें बराबर से सी कर लेना है। वाइड ब्लाउज़ है हमारा तो थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। तो अब बराबर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे कपड़े को। कटिंग करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने के बाद गले को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद उसके ऊपर प्री स्टिच मार कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें प्री स्टिच मार कर लेनी है पूरे गले के ऊपर। प्री स्टिच पर ध्यान देते हुए हमें एक लेवल में यहाँ पर प्री स्टिच मार कर लेनी है। तो यहाँ पर प्री स्टिच हो चुकी है हमारी। अब बैक साइड की डाच लेंगे, सेंटर से 4 लेंगे और ऊंचाई लेंगे 4.5। तो अब हम गोट बिठा कर लेंगे। तो अपोजिट कलर का कपड़ा लिया है हमने, पिंक कलर का। तो यहाँ पर हम गोट की तैयारी कर रहे हैं। 1/2 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर गले को हम यहाँ पर लोटे गले को लगा कर लेंगे गोट। पहले गले को हमें गोट लगा कर लेनी है, उसके बाद हम कमर पर भी गोट लगा कर लेंगे इसी तरह से। तो वाइट में पिंक बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है कॉम्बिनेशन, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से फोल्ड कर हम गोट एक लेवल में यहाँ पर बना कर लेंगे। इसी तरह के न्यू और लेटेस्ट ब्लाउज डिज़ाइन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी ब्लाउज़ की। देखिए इस तरह से हमने गले की गोट बना ली है। अब कमर घेर के तरफ भी हम गोट लगा कर लेंगे। यहाँ पर भी एक लेवल में बराबर बिठा कर लेंगे देखिए इस तरह से। अभी यहाँ पर भी हमें गोट बना कर लेनी है। तो गोट हमारी एक लेवल में और साफ होने चाहिए, तभी गले की फिनिशिंग हमारी अच्छी लगेगी। तो जो हमने बीच का डिज़ाइन कटिंग कर लिया था उसको एक कपड़े के ऊपर प्रेस कर लिया है और बराबर ऊपर का गला हम कटिंग कर लेंगे पहले। अब नीचे के गला हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा मेन गला होगा, तो इसको हम पहले यहाँ पर जोड़ कर लेंगे इस तरह से। जोड़ने के बाद हम यहाँ पर फ्रिल तैयार करने के लिए एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच। लंबाई कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि पूरे गले पर हमें यहाँ पर फ्रिल बनानी है, तो ज़्यादा कपड़ा लगेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम पहले ये पट्टी को तैयार कर लेंगे। अभी इसको सीधा कर लेंगे बाजू का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद। देखिए इस तरह से आप चाहे तो कोई भी बड़ी वाली नोकीली चीज़ लेकर भी गले को ये पट्टी को यहाँ पर सीधा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पट्टी हमारी यहाँ पे सीधी हो चुकी है। हमने सिलाई को सेंटर में रखते हुए इसको प्रेस कर लिया है और इस तरह से हम चुनी बना कर लेंगे। चुनी हमें एकदम नज़दीक नज़दीक बना कर लेनी है, जैसे कि एक गजरा टाइप में बना कर लेनी है फुल यहाँ पर। यानी चुनी में थोड़ा भी हम यहाँ पर डिस्टेंस नहीं छोड़ेंगे, एक के बाद एक इस तरह से एकदम जाली वाली चुनी बना कर लेंगे।
जैसे कि एक गजरे की यहाँ पर शेप दिखे। देखिए इस तरह से हम एकदम नज़दीक नज़दीक यहाँ पे चुनी बना कर लेंगे। तो ये लंबी पट्टी है, बहुत सारी लंबी है, आराम से एक 3 मीटर की उतनी लंबी हमने पट्टी बनाई है। तो इसको इस तरह से फ्रिल बनाकर तैयार कर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा लिए हैं एक्स्ट्रा, वाइट कपड़ा ही है हमारा ये। इस तरह से इसको यहाँ पर अस्तर को ज्वाइन कर कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम पहले इसको फ्रिल बना कर लेंगे, उसके बाद कटिंग कर कर लेंगे। जो सेंटर का हमने पान गला बनाया है उसके लिए हमें फ्रिल चाहिए, तो वो फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से हमने पहले कपड़े को तैयार किया है। और इसके भी फ्रिल हम एक के बाद एक देखिए इस तरह से ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए लेते जाएंगे। यहाँ पर एक लेवल में बराबर से इसके बाद लेते जाएंगे एक के बाद एक फ्रिल को। देखिए इस तरह से हमें एक के बाद एक बराबर से यहाँ पे फ्रिल लेते हुए पूरे कपड़े को कवर कर कर लेना है। अब दोनों साइड से भी टिप मार कर लेंगे ताकि हमारी फ्रिल यहाँ पर बराबर से बैठे रहे। तो इस तरह से सेट करते हुए हम पहले टिप मार कर लेंगे दोनों तरफ से। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ उसी तरह से आप भी साफ़ करते हुए यहाँ पर टिप मारें। यहाँ पर इसी तरह के न्यू और लेटेस्ट आपको ब्लाउज डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरह के न्यू अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो बराबर से हमने जोड़ लिया है यहाँ पर। अब बराबर इसका सेंटर निकाल कर हम इस गले को यहाँ पर जोड़ कर लेंगे। देखिए जिस तरह से मैं जोड़ कर ले रही हूँ उसी तरह से आपको भी जोड़ कर लेना है। तो इसको कट मार कर लेंगे। अब थोड़ा सा हेवी होगा पर डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिखेगा यहाँ पर। तो इसको सीधा कर कर यहाँ से प्रेस टिप मार कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमें एक लेवल में प्रेस टिप मार कर लेनी है यहाँ पे। तो साइड से भी हम पहले जोड़ कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर कर लेंगे। फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसको निकाल देंगे यहाँ से। निकालने के बाद इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर गोट लगा ली है। फिर गले को अटैच कर कर यानी पिनअप कर कर सेंटर में जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ उसी तरह से आप पिनअप कर कर आराम से जोड़ें। तो इतना गला तैयार हो चुका है। जो फ्रिल हमने तैयार कर कर ली थी वो भी अभी यहाँ पर जोड़ कर लेंगे। जहाँ से हमने फ्रिल बनाते वक्त टिप मारी थी वहीं से यहाँ पर भी टिप मार कर लेंगे। जब हम गले को जोड़ रहे हैं वहाँ से ही टिप मार कर लेंगे बराबर। देखिए इस तरह से हमारा पूरा ये गले को लग चुकी है फ्रिल। तो अभी एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर फूल बनाएंगे। फूल के लिए इस तरह से ट्रायंगल बना कर लेंगे और वो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल का जो ओपन वाला बाजू है उसको इस तरह से दबा कर हमें एक फूल बना कर लेना है। देखिए हमें उसको ओपन करना है और पिछली बाजू को नीचे की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ पर फूल की कलियाँ बना कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से ये कलियाँ हमारी तैयार हो चुकी है यहाँ पर। तो एक के बाद एक इस तरह से हाथ सिलाई के सुई से जोड़ कर लेंगे इसको। तो हमने 6 कलियों वाला यहाँ पर फूल बना कर लिया है ये। और सेंटर में आप शो बटन लगा कर लेंगे। देखिए इस तरह से शो बटन लगा लिया है हमने। तो इसके साइड में इस तरह से मोती लगा कर लेंगे।
तो फूल तैयार होने के बाद यहाँ पर हमने ट्रायंगल के लिए यहाँ पर यानी डोरी के लिए यहाँ पर कपड़ा लिया है, उसको इस तरह से तैयार कर लेंगे हम। इसको भी छोटी डोरी चाहिए हमें, यानी एक 6 से 7 इंच की डोरी चाहिए। तो इसी तरह से फैब्रिक लटकन इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर फूल को अटैच कर लेंगे हम। अब यहाँ पर सेंटर में गले के लगा कर लेंगे और यहाँ पे फ्रिल के ऊपर भी मोती लगा कर लेंगे। सेंटर में मोती हमें पूरे गले को लगा कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से मोती लगा कर लेना है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।